ए हु मैडम जी मान जाइए, साहब का गोदी में फान जाइए, मिलेगा ऐसा न सरकारी अफसर, बात सिंपल आ जान जाइए। 10 साल पहले लखनऊ की गलियों में फर्राटेदार स्कूटी आप चलाते थे, लेकिन फिर स्कूटी से ब्रेक और एक शूटिंग के दौरान फिर आपकी स्कूटी आपके दोस्त बन गई और एक नया लखनऊ घूमे के मिलल। तो 10 साल पहले वाला लखनऊ की जो आम मामूली लड़की रहे और एक बार 10 साल बाद जो वहाँ पे एक स्टार के रूप में शूटिंग कैली, वो जो सपना आपके साकार भइल का कह चाहब? हाँ, मेरा सपना साकार हुआ। और वो जो 10 साल पहले स्कूटी में लड़की घूमती थी, उसके पीछे लड़के पड़ते थे, उसको घर तक छोड़ते जरूर थे वो, बट यहाँ पर जो लड़की स्कूटी चलाती थी, चीज़ें वही सेम थी कि यहाँ पर भी उसी आकांक्षा को लोग देखने आए थे। शक्ल तो मेरी बदली नहीं, वही शक्ल थी। हाँ, बस आज मैं शूट कर रही थी और तब मैं शूट नहीं करती थी, तब घर तक छोड़ते थे, अभी तो वैनिटी तक छोड़ते थे। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं जितनी देर स्कूटी चलाती थी, सारे लोग आगे पीछे घूमते थे। एंड लड़कियाँ तो लड़कियाँ, उनका हक बनता है और लड़कों का भी हक बनता है देखने का। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। अब तक कितने लोग लट्टू हुए थे और कितने लोगों को जो है खरी खोटी सुननी पड़ी, या कितने लोग को जो है होता ना जो ढेर सारी ट्रीटमेंट आप लोग देते हैं? हाँ, ये बात सही है कि लड़कियाँ बहुत ढेर सारी ट्रीटमेंट देती हैं, बट मेरा क्वेश्चन उन सारी लड़कियों से है, आखिर वो क्यों टेंशन लेती है? वो सुंदर है, अच्छी दिखती हैं, लड़के हैं, देखेंगे, और लड़कों का तो काम ही है देखना। और लड़कियाँ मतलब आप सुंदर दिखती क्यों हो? इसीलिए ना कि लड़के देखें। मैं तो जानती हूँ, मैं बस अपनी लाइफ में इतना जानती हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, लड़के देखने चाहिए, नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो मैं सबको खाली स्माइल करती थी, किस पास करती थी और मजे लेती थी, हाय बाय करती थी, इवन सबके साथ मैंने सेल्फीज भी क्लिक करा, मुझे बहुत मजा आती है, मैं तो इन सारी चीज़ों का एंजॉय करती हूँ। आकांक्षा जी, बात करें जो है जो रियल लाइफ की आकांक्षा है और पर्दे की रील की आकांक्षा है, कितना अंतर है? रियल लाइफ की आकांक्षा आप अभी देख रहे हैं, ये बिल्कुल रियल लाइफ है मेरी। और रियल लाइफ में अगर मुझे रोना है तो मैं सैड हो जाऊंगी, हंसना है तो मैं मुस्कुराऊंगी खुद भी, क्योंकि मुझे वही करना है जो मुझे मिला है करने के लिए। और रियल लाइफ की आकांक्षा के साथ फाउंडेशंस ये होती हैं कि उसको जो करने के लिए दिया गया वो वही करती है, उसको ही फील करती है और उसको ही थ्रो करती है। और रियल लाइफ की आकांक्षा ऐसी है, रियल लाइफ में मुझसे कुछ एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं ना इस समय मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। तो बस ऐसा है, रियल लाइफ में मैं हमेशा हंसते रहती हूँ, हंसाते रहती हूँ, मस्ती करते रहती हूँ, खाते वाते रहती हूँ, जिम बहुत जाना पसंद करती हूँ, और गाना गाना, डांस करना, मस्ती करना, ये सब पसंद है। और रियल लाइफ में मुझे सिर्फ काम पसंद है, नो फोन, नथिंग एल्स, मैं सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ। अभी रघुवा कहने की जो है कि गाना भी आपको गाना आता है, तो चाहे से दर्शक लोग भी आपकी मीठी सी कोयल सी आवाज में कुछ दो लाइन गुनगुना भी दें। ए हु मैडम जी मान जाइए, साहिब का गोदी में फान जाइए, मिलेगा ऐसा न सरकारी अफसर, बात सिंपल आ जान जाइए। बहुत अच्छा लगा ढेर सारी आपके बिंदास बातें सुन के, और मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा राम जी। थैंक यू सो मच। और प्लैनेट भोजपुरी।